वाले हैं यहाँ पे सोनिया सुखेजिया जी, आज यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सोनिया जी को भेजने वाले हैं वर्षा गंबानी मैडम, जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। सोनिया जी पहले दिन तो आए गए, मैं अंधेरी लोखंड वाला से आई हूँ, तो मेरे को डर लगा ये लोखंड वाले वाले आ गए, बड़े 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 लोग हमारे शिविर में आ गए, कहीं हमारा पंक्चर न कर दे गाड़ी को। और बाद में आज रात सुना कि वो भी एक योगा टीचर है, ये मुझे पता नहीं था पहले दिन, लेकिन बहुत ही कमिटेड तरीके से उन्होंने शिविर पूरा किया और बहुत जगहों पे उन्होंने ज्ञान इकट्ठा करने के बाद इस शिविर में आई, तो अपना एक्सपीरियंस वो आपको बताएंगे। हरिओम। हरिओम। बहुत कुछ है बताने के लिए लेकिन वक्त कम है, तो मैं कोशिश करके कम से कम शब्दों में बोलूंगी। सबसे पहले थ्रू आउट द टू डेज वर्कशॉप मैं पूरे दिल से पूरे हृदय से वर्षा गंबानी को इतनी दुआएं दे रही थी कि जो माँ जो चैनल बने, और वो एक साल से वो बोल रहे थे कि इतने सारे कोर्सेस कर रही हूँ कि यहाँ पर एक बार मेरे बोलने पर आ जाओ, वो तो मुझे वैसे भी विश्वास है कि अगर उन्होंने बोला है तो बात में दम होगा, तो मैं वैसे इतने सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर आई थी। लेकिन मैं वही सोचा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कहीं लेके जाते हो तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन पूरे दिल से मैं बोलती हूँ कि उससे कई गुना ज्यादा मैं लेके जा रही हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, उससे भी तो बहुत बड़ी बात है आजकल के जमाने में कि आप जितनी और आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ऊपर है और उससे और उम्मीद से दुगना मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और दो तीन जो विचार मेरे मन में कंटिन्यूस चल रहे थे, मैं योगा टीचर हूँ बहुत सालों से, और जैसे सर बोलते हैं घाट घाट का पानी पी के आई हूँ, तो मतलब वैसे बहुत बहुत बड़े बड़े मास्टर से योगा सीखा है, थियरी भी प्रैक्टिकल भी ये भी वो भी, मुझे नहीं लगता है लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो उसके बावजूद जो 2.5 डेज का जो इतना फास्ट पेस्ड क्रैश कोर्स था, मतलब इतना एब्जॉर्ब कंटिन्यूस हम लोग एक स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करने में लगे हुए थे, मुझे लग रहा था मतलब ये इतना खजाना इतना भंडार दे रहे हैं, ये पूरा भंडार आ रहा है। और एक दो लाइन जो सर ने भी सहर जी के बारे में जो बोली कि जब पात्र तैयार होता है तो प्रकृति गुरु अपनी तरफ भेज देती है, तो उसी वक्त मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि हम भी भाग्यशाली हैं कि प्रकृति ने एक अपना उन्नत पुत्र हमारे लिए भेजा है। तो मैं दिल से मेरे मन में ये विचार उस पर चल रहा था, आने के पहले ये नाम मैंने जिंदगी में कभी सहर जी का सुना नहीं, जैसे मैंने सोचा आजकल पूरा ब्रांडिंग का जमाना है क्योंकि हर एरिया में स्पिरिचुअलिटी और गुरुओं में भी ब्रांडिंग जोर शोर से उसका प्रोपोगेंडा चलता है, तो अभी इनका कभी प्रोपोगेंडा सहर जी का हुआ नहीं है, लेकिन जैसे वो उनकी हर लाइन में इनका नाम आ रहा था तो मैं बार बार वहां तरफ मेरा आंखें जा रही थी और मुझे लग रहा था कि वो साक्षात एक्चुअली जीवित है और वो कितना खुश हो रहे हैं कि आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्लैश एंड ब्लड ऑन दिस प्लैनेट, फिर भी ये जीवित रख रहे हैं साइंस को। तो मुझे बार बार इस बात का एहसास हो रहा था और आई फील वेरी कनेक्टेड टू सहर जी। एंड इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स, इतने खूबसूरती से इतने सिंपल इन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि साधारण इंसान को भी इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बार बार बता रहे थे कि जो पतंजलि मुनि ने जो ग्रंथ लिखा है पतंजलि सूत्र, इतने सारे विद्वानों ने उसके ऊपर भाष्य कॉमेंट्री लिखी, तो आपकी कॉमेंट्री आपने जो भाष्य दिया अपना इन इन अपना आपने जो अंडरस्टैंडिंग पेश किया, तो डायरेक्ट अगर मैं ये बुक पढ़ती तो शायद 2-3 पेज से ज्यादा कुछ घुसता नहीं दिमाग में, लेकिन बिकॉज आपने इतना ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अब मैं जब आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं कब घर पहुंचू और मैं रोज ये बुक पढ़ू और कई बार पढ़ू, एंड बहुत मजा आया। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।